हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक आईपीओ से, जैसे कि आपको पता है ये ग्लेनमार्क का आईपीओ आ रहा है, उसके रिगार्डिंग ही सब बातें करेंगे। ओके, उसका रिव्यू देखेंगे, ग्रे मार्केट प्राइस देखेंगे, जो बड़े बड़े होते हैं ब्रोकिंग हाउसेज, उनकी रिपोर्ट्स देखेंगे कि वो सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, उसके कुछ फंडामेंटल्स चेक करेंगे और उस आईपीओ की सारी डिटेल्स इन शॉर्ट हम चेक करने वाले हैं। तो बिफोर दैट हम इस वीडियो पे आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, जो कि आपके सामने है, ओके, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारी वीडियो को वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक कमेंट कर दीजिए, ओके, ताकि हम इस तरीके की वीडियो आपके सामने लाते रहे। सो थैंक यू सो मच। और वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एक आईपीओ आ रहा है ग्लेनमार्क करके, ओके, तो आइए इससे बारे में जान लेते हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मा आईपीओ, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि तो इसके प्रॉस कॉन्स भी और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सब कुछ हम देखेंगे। ग्रे मार्केट का प्राइस भी हम लास्ट में देखने वाले हैं, तो लास्ट में तक बने रहिए। तो देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा आईपीओ आने वाला है, ओके, तो इससे रिलेटेड हम एक बार देख लेते। देखिए, ग्लेन फार्मा लिमिटेड द हैदराबाद बेस्ड कंपनी है एक तो, ओके, एंड इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनेरिक इंजेक्टेबल कंपनीज। तो ये एक जेनेरिक इंजेक्टेबल कंपनी है, ओके, ये ऐसा इंजेक्शन आई थिंक बनाती है फास्टेस्ट, और वो उसमें ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो इट मैन्युफैक्चर ए डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ हाई क्वालिफाइड क्वालिटी कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स। द कंपनी ऑफर्स प्रोडक्ट्स लाइक स्टर्लिंग इंजेक्टेबल्स, ऑन कॉलिंग एंड ऑफ्थाल्मिक्स कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स। तो ये कुछ फार्मर के कम टर्म्स है, ओके, तो मैं तो इस तरह जानता नहीं हूँ, फिर भी अगर आप चाहे तो एक बार नेट पे इसे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से है क्या और क्या क्या काम करते हैं ये प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये इन शॉर्ट ये प्रोडक्ट्स सारे के सारे बनाती है। तो इनका जो कंपनी का मॉडल है, ओके, ये B2B बिजनेस है। बिजनेस B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, टू सेल इट्स प्रोडक्ट इन मोर देन 60 कंट्रीज। तो मतलब 60 कंट्री में, मोर देन 60 कंट्री मतलब 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज में, ओके, ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है, ओके, अपने प्रोडक्ट्स को भेजती है, एक्सपोर्ट करती है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, तो इंक्लूड है, तो देख लेते हैं, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूरोप एटसेट्रा। और ये एक लीडिंग फार्मा कंपनी है, ओके, दैट इज सेगमेंट फार्मा फार्मास्यूटिकल्स अपॉक्स इन INC, एथनेक्स फार्मास्यूटिकल्स डिवीजन LLC, और ये API में भी काम करती है, ओके। और आपको बताए आर सम ऑफ द की कस्टमर्स, और ये जो कंपनीज है, ये सारे के सारे लीडिंग फार्मा जो कंपनीज है, जो ये जिन्हें नाम दे रखे हैं, ओके, ये सारे के सारे इसके कस्टमर्स हैं, जो कि काबी USA LLC, ओके, और बहुत सारी कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, ओके, ये सारे के सारे इसी से प्रोडक्ट्स लेते हैं, इसी कंपनी से। तो इट हैज़ 7 रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया, ओके, 7 रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है भारत में, और 4 फिनिश फॉर्मुलेशन फैसिलिटी, ओके, और 22 प्रोडक्शन लाइन्स। तो मतलब 22 प्रोडक्शन लाइन्स भी है एंड 3 APIs, और 3 इसमें APIs भी है। API की बात की जाए तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रीडियंट, मतलब एक जो जो किसी भी दवा का जो मेन इंग्रीडियंट्स होता है उसे API कहते हैं। तो उसमें ये कंपनी काम करती है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो तो देख लीजिए, यहाँ पर एक तो B2B बिजनेस मॉडल है, ओके, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है, ओके, टारगेटिंग B2C मॉडल इन इंडिया। तो ये डाइवर्सिफाइड B2B मॉडल को विद टारगेटेड B2C मॉडल में कन्वर्ट करने वाले हैं इंडिया में। और एज वेल एज बात की जाए, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है, ओके, मतलब इतनी इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है कि ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी कैपेबिलिटी है मैन्युफैक्चर करने की किसी प्रोडक्ट को, ओके, और एज वेल एज रोबस्ट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी है इनका। फाइनेंशियल जो इनका रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा है। एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड मैनेजेरियल टीम, इनकी जो टीम्स है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो ये नॉर्मल सी बात है जो हर एक कंपनी अपने बारे में बताती है। तो कंपनी प्रमोटर्स की बात की जाए तो प्रमोटर्स कौन है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉइंट्स को थोड़ा देखिएगा। तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स है उनका नाम है फोसन फार्मा इंडस्ट्री PT लिमिटेड एंड शंघाई फोसन फार्मास्यूटिकल ग्रुप को इज द कंपनी प्रोमोटर्स। तो ये जो कंपनी के जो प्रोमोटर्स है, ओके, ये फोसन फार्मा कंपनी के और शंघाई फोसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के इसके प्रोमोटर्स है। तो मतलब शंघाई की बात हो गई, ओके, तो आपको पता ही है कौन हो गया, चाइना। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चाइना से इनडायरेक्टली लिंक करती है, और डायरेक्टली लिंक किससे करते हैं वो भी हम बात करेंगे।
तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो फार्म प्रोमोटर्स की जो फोर्सन सिंगापुर इज द सेलिंग अप टू, मतलब जो ये जो प्रोमोटर्स हैं इनका फोर्सन सिंगापुर, वो कितने शेयर्स बेच रहा है? तो 1,54,94,949 शेयर्स ये बेच रहा है। और कंपनी के जो दूसरे शेयर होल्डर्स है, ओके, दे आर सेलिंग कितने, 8,33,333 शेयर्स ये अपने ये सेल करने वाले हैं। मतलब OFS आ रहा है एक तरीके से, एक लार्ज एक्सपोजर ऑफ OFS आ रहा है इसमें, और न्यू भी कुछ आ रहा है, वो आगे हम बातें करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, तो इशू का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब किस रीजन से यहाँ पर ये IPO ला रहे हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ लिख रहा है कि दैट नेट प्रोसीड फ्रॉम द IPO विल बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज, टू फाइनेंशियल एंड द इंक्रीमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द आर कंपनी। तो जो कंपनी कहती है मोस्टली कि हम भाई कंपनी को ग्रो करने के लिए लेके आ रहे हैं, ओके, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है इसके लिए लेके आ रहे हैं, तो वही सब बातें होंगी इसमें। टू मीट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ, ओके, वही फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं, इन्हें एक्सपेंड करना है इन्हें अपना बिजनेस, टू मीट द जनरल कॉरपोरेट पर्पज़, ओके। तो इसी चीज़ के लिए ये IPO लेके आ रही है। IPO की डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए डेट की बात की जाए तो 9 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में यहाँ पर ये शुरू ये IPO आएगा। तो मतलब 9 नवंबर, मतलब आज कितने तारीख है, यहाँ 8 तारीख है, तो मतलब कल मंडे, मंडे की डेट में शुरू होगा और वेनसडे को ये एंड हो जाएगा। बुक बिल्डिंग इशू IPO है, ओके। प्राइस रेंज मैं आपको बता दूंगा। इशू साइज की बात की जाए तो लगभग 4,41,96,968 इक्विटी शेयर्स, और फेस वैल्यू कितना, 1 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से ही आ रहा है। और कीमत कितनी होगी इस सब की बात की जाए तो 6,400 6,479.55 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर IPO ये आने वाला है। फ्रेश इशू की बात की जाए तो फ्रेश इशू मैं आपको बताना चाहता हूँ, 83,33,333 इक्विटी शेयर्स और विद ऑफ फेस वैल्यू 1, ओके। ये फ्रेश इशू होने वाला है, मतलब ये इस तरीके ये IPO हो गया मेन। और अगर OFS की बात की जाए तो लगभग 3,48,633,634 इक्विटी शेयर्स, ओके, मतलब 5,229.55 करोड़ रुपए के केवल और केवल OFS आ रहा है, और बाकी ये 1,250 करोड़ रुपए का IPO, मतलब ये न्यू फ्रेश इशू होने वाले हैं ये शेयर्स। तो ये सारा का सारा इसका था। फेस वैल्यू 1 ही रुपये होगी इसकी। प्राइस रेंज की बात की जाए तो एक जो बैंड होता है कितना, 492-1,500 पर इक्विटी। अगर ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया ये IPO तो आपको 1,500 पे ही यहाँ पर अब मोस्टली मिलेगा। तो अगर आप बिडिंग करेंगे तो लगभग मोस्टली आपको 1,500 पर ही करनी पड़ेगी, या कट ऑफ पे आप साइन मारेंगे तो वही 1,500 के हिसाब से आपको ये मिलेगा। और कितने शेयर्स की होगा, तो 10 शेयर्स आपको मिलेंगे, क्योंकि 15 आपको पता है 15,000 या 50,000 के अंदर ये आपको IPO मिलता है एक लॉट। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की बात की जाए तो 10 शेयर्स, ओके, 10 शेयर्स की मिनिमम क्वांटिटी आपको मिलेगी। और ये कहाँ पर लिस्ट होगा, BSE एंड NSE दोनों पर लिस्ट होगा। तो देखिए 9 तारीख को ओपन होगा, 11 तारीख को क्लोज हो जाएगा फाइनलाइज ऑफ बेसिस अलॉटमेंट। तो मतलब 17 नवंबर को, ओके, आपको यहाँ पर मतलब 1 वीक के बाद लगभग नेक्स्ट वीक आपको फाइनलाइज हो जाएगा इनिशियल ऑफ ऑफ रिफंड्स। तो आपको जो रिफंड मिलना होगा, अगर आपको नहीं मिला तो 18 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 19 तारीख को आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको IPO मिल जाएगा, IPO शेयर लिस्टेड डेट, और 20 तारीख को ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। तो ये कंपनी ग्लेन फार्मा आपको लिस्ट होती हुई 20 तारीख को दिखाई देगी। मिनिमम 1 लॉट ले सकते हैं 10 शेयर का, या फिर आप 13 लॉट मैक्सिमम ले सकते हैं 130 शेयर का, जिसकी कीमत 1,95,000 रुपये होगी। और तो देखिए व्हाट इज द कोट रिजर्व फॉर द रिटेल, देखिए यहाँ पर अब देख लेते हैं किसके लिए कितनी कैटेगरी के लिए रखा है। तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35% इन्होंने रख रखा है, QIB के लिए 50%, एंड NII के लिए कोट इज फॉर 15%, मतलब 15% इन्होंने NII के लिए, 50% QIB के लिए, और 35% इन्होंने रिटेल इन्वेस्टर के लिए रख रखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है। रिटेल इन्वेस्टर चाहेंगे तो इसमें इन्हें चांसेस बढ़ जाएंगे कि रिटेल इन्वेस्टर को IPO मिल जाए। और अगर हम एक बार इस फॉलोइंग इनपुट्स आर द रिलेवेंट फॉर एनालाइज द इशू, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। देखिए दिस कंपनी बिजनेस मॉडल B2B बिजनेस है, आप जैसे कि देख चुके हैं, हैंस देर आर नो लिस्टेड पीएस फॉर द कंपनी। तो यहाँ पर कोई लिस्टेड पीएस भी नहीं है। दिस मॉडल एनेबल्स द कंपनी इज बेटर कॉस्ट कंट्रोल एंड प्राइसिंग पावर, इट ऑल्सो हेल्प्स इन जियोग्राफिकल एक्सपेंशन इन लीस्ट टाइम, ओके। तो मतलब ये कंपनी बहुत ही कम टाइम पे ना जियोग्राफिकल, मतलब काफ़ी काफ़ी जो
जैसे कि आपने देखा था यूएस ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ये अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही थी, तो ये काफ़ी अच्छा इसमें दिखाया गया है। फाइनेंशियल्स की बात किया, दिस कंपनी एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट ओके ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड मोर देन 60% टू यूएसए, तो मतलब 60% यहाँ पर यूएसए से ही इस कंपनी का बिजनेस होता है। ऑलमोस्ट निल टू कम्युनिस्ट चाइना, तो चाइना से यहाँ पर कोई इनसे एक्सपोर्ट नहीं होता है। इट हैज़ नॉट रिसीव अ सिंगल एडवर्स ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द यूएस एफडीए अनलाइक मेजर इंडियन फार्मा कंपनीज, तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसमें कि इट हैज़ नॉट रिसीव अ सिंगल एडवर्स ऑब्जर्वेशन, मतलब जो एडवर्स ऑब्जर्वेशंस होती है यूएस एफडीए से, तो इसमें यहाँ पर कोई रोल नहीं है इसमें, जैसे कि दूसरी इंडियन फार्मा कंपनीज होती है उसमें जैसे रोल होता है। इट इज़ मेजर ओन बाय फोसन सिंगापुर विच इज़ अगेंस्ट ऑन बाय द चाइनीज पेरेंट। तो मैं आपको जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डायरेक्ट लिंक तो इसका है सिंगापुर से ओके, बट इनडायरेक्ट अगर बात की जाए तो इनडायरेक्ट यहाँ पर ये चाइनीज़ कंपनी कह सकते हैं कि ये चाइनीज़ एक तरीके की चाइनीज़ कंपनी है ये ग्लैंड फार्मा ओके, क्योंकि इनकी जो पेरेंट्स कंपनी है वो जो फोसन सिंगापुर की ही पेरेंट्स कंपनी है वो कौन सी है, चाइना, तो इस चाइनीज पेरेंट्स की कंपनी है, तो इस वजह से इनडायरेक्ट लिंक कहीं ना कहीं चाइना से ही इसका आता है। और फ्रॉम रिस्क मैनेजर एंड एंगल और फ्रॉम एन इन्वेस्टर इट इज़ ए इनडायरेक्ट। तो मगर अगर कभी जैसे कि अभी बीच बीच में चाइना इंडिया की टेंशन बढ़ती जाती है ओके, तो कभी इफेक्ट पड़ा तो इस कंपनी पे सीधा इफेक्ट पड़ेगा ओके। अगर इंडिया ज़्यादा ही और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाएगा चाइना पे, तो इसके शेयर गिरना पॉसिबल है कि इसका शेयर भी गिर जाए। तो और बात कर लेते हैं, इट हैज़ एक्सीलेंट बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा बैलेंस शीट है। डायल्यूट ईपीएस विल बी एक्सीलेंट एज इट हैज़ लार्ज कंपोनेंट ऑफ ओएफएस रेदर देन फ्रेश इशू ओके। प्रोजेक्शन ऑफ पीई अराउंड मतलब 30 का लगभग प्रोजेक्शन बता रहे पीई का। इशू आर एक्सीलेंट इन द फार्मा, इट ऑल्सो इन लार्ज एक्सपोर्ट टू चाइना एंड अफ्रीका विच आर वेरी लार्ज मार्केट एंड बूस्ट द कंपनीज फाइनेंशियल इंडेक्स। तो इनका जो जो इट प्लान्स टू एनलार्ज, मतलब ये प्लान कर रहे हैं कि ये चाइना में भी जापान चाइना और अफ्रीका जैसी बड़ी बड़ी जिनकी मार्केट ज़्यादा जिनमें जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं ओके, वहाँ पर भी ये अपने उन देशों को भी ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका ये प्लान चल रहा है। तो देखिए ये क्या चलता है, फेस वैल्यू एक है, तो यहाँ पर एक बार हम फाइनेंशियल इसके देख लेते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल यहाँ पर आपके सामने है, देखिए ये 2018 का है, ये 19 का है मार्च का, ये 2020 मार्च का है, और ये जून फर्स्ट क्वार्टर जो इसका है उसका है। मिलियन रुपीज़ में यहाँ पर आपके पास ये सारा का सारा रिजल्ट है जो। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल एसेट, तो टोटल एसेट की बात की जाए तो कंटिन्यूसली आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। 2018 में कितना था मार्च में, और लगभग 30,000 कह सकते हैं, फिर 35 हो गया, फिर 40 और 46, मतलब 5-5 हज़ार मिलियन इन रुपीज़ का यहाँ पर आपको बढ़ती हुई एसेट दिख रही है। टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं 31 मार्च को कितना था, 16,716 ओके, फिर 21,297, फिर 27,724, फिर 9,162, मतलब ये तो क्वार्टर वन का है तो इसे आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात की जाए तो लगभग 6,000 रुपीज़ इन मिलियन यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात की जाए तो यहाँ पर देखिए लगभग 3,210 रुपीज़ इन मिलियन, फिर 45, फिर 77,28, और लगभग इस यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर की बात की जाए तो लगभग 2018 का जो पूरा फाइनेंशियल था उसमें अगर इस जून की ही बात की जाए केवल क्वार्टर, तो इतना तो आया ही है 31,35,90, और ये अभी फार्मा चल भी रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर रिजल्ट अच्छे आने लाजमी है। तो ये सब इसके है, तो यहाँ पर ये इसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस कंपनी का यहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं कुछ जो यहाँ पर है एनालिस्ट, तो एनालिस्ट क्या कहते हैं इससे रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GEPL ओके, तो देखिए यहाँ पर GEPL है एक GEPL कैपिटल रिकमेंड्स इन्वेस्टर टू सब्सक्राइब द IPO ओके। इन्होंने कहा है कि भाई सब्सक्राइब कर सकते हो आप इस IPO को ओके, और पूरी डिटेल्स के लिए आप इसे पढ़ लीजिएगा, नेट पे आपको मिल जाएगा। बीपी इक्विटी ओके, बीपी इक्विटी है, उन्होंने भी रिकमेंड किया है सब्सक्राइब करने के लिए
ओके, फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, अगर आप लंबे समय के लिए भी रखना चाहते हैं तो इसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया है। चॉइस ब्रोकिंग है, ऑन अदर हैंड एडवाइस इन्वेस्टर टू सब्सक्राइब विद कॉशन, मतलब इन्होंने एडवाइस किया है कि आप कर सकते हैं बट सावधान रहने की भी ज़रूरत है, ये उन्होंने बता दिया है। ओके, तो मतलब बहुत सारी कंपनीज वो यहाँ पर डायरेक्टली कह रही है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बट एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ग्रे मार्केट। देखिए इंडिया में ग्रे मार्केट जैसे डब्बा बाजार होता है, उसका रिव्यू लेना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कह देते हैं बढ़िया आएगा तो फिर आपको लिस्टिंग गेन मिलता है, वो डिस्काउंट मिलता है, अदरवाइज वो डिस्काउंट पे ही ओपन होता है, जैसे कि अभी SBI कार्ड का हुआ था। ओके, सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो सिचुएशन की वजह से IPO का जो उस SBI कार्ड का IPO चल रहा था बहुत हाई वैल्यूएशन, मतलब 1100 और 1200 का उसे दिखा रहा था, वो आपको डिस्काउंट पे ओपन होता हुआ दिखाई दिया था। अभी जो एक बैंक का आया था वो भी आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक का आया था, उसका भी आपको डिस्काउंट पे, तो इसलिए ग्रे मार्केट का भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम ड्रॉप टू अराउंड 50 to 70 rupees अगेंस्ट अराउंड ₹200 crore बिफोर द कंपनी फिक्स IPO प्राइस बैंड सो स्टोर मनी कंट्रोल, तो मतलब यहाँ पर 50 से 70 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट पे ओपन होता हुआ ये अभी यहाँ पर दिखा रखता है। और आगे चल के क्या होगा, तो देखिए 20 तारीख को लिस्ट होगा, कल से शुरू हो रहा है, लगभग 10-11 दिन है। और मार्केट जैसे कि आपको पता ही है, US का इलेक्शन भी हुआ है, डायरेक्ट 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 इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे जाती है तो ऑब्वियसली बात है ये कोई कंपनी ऐसी तो है नहीं कि जो मार्केट से अलग चलेगी, तो ये आपको डिस्काउंट पे ओपन होती हुई नज़र आएगी। अगर आपका ड्यूरिंग दिस टाइम अगर मार्केट अच्छा रहा, जैसे कि पिछले वीक में रहा है, तो अगर इस तरीके का मार्केट रहा, आपको भागता हुआ मार्केट देखा, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर डिस्काउंट, आपको प्रॉफिट लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नजर आएगा, तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखिएगा। बाकी ऊपर एक आई बटन पे वीडियो है, उसमें मैंने IPO का कंपैरिजन किया था, तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती है। लाइक करिएगा ताकि YouTube आपको रिकमेंड करता रहे इस वीडियो को, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों के साथ फैलाइए। सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस।